हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड टाइम हो रहा है 11:10, मतलब सेम टाइम ही हो रहा है पिछले दिन की तरह। आज भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों का न्यू फ्लैट में, क्योंकि कल पेंटिंग का काम हुआ था और क्लीनिंग का काम भी कल होने का बाकी था। सो आज हम लोग जस्ट देखने के लिए जा रहे हैं कि हर एक काम ठीक से हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों का आज भी स्लॉट है आने का। सो कुछ भी गड़बड़ है या कुछ भी नहीं किया है तो आज हम लोग फिर से बोलेंगे करने के लिए। अदरवाइज़ कल से तो हम लोगों का ऑफिस है तो जाने का मौका नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ कि ये ब्लॉग मेरा इस फ्लैट से लास्ट ब्लॉग होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो ब्लॉग आने वाला है वो मेरा नया फ्लैट से आने वाला है। सो इस फ्लैट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद से आप लोगों को और ये फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। सो मैं थोड़ा सा इमोशनल तो हूँ इसमें, और साथ साथ में अच्छा भी लग रहा है। मतलब ट्विन वन इमोशन काम कर रहा है, मेरा फीलिंग्स अभी ट्विन वन टाइप है। एक तरफ थोड़ा सा खराब लग रहा है कि ये छोड़ के जा रहे हैं जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नया जगह पे जा रहे हैं, नया से फिर से उसको सजाएंगे इसीलिए। सो ये सब तो चलता ही रहेगा। तो फिलहाल चलिए, उसके साथ साथ मुझे और भी एक चीज़ आज लेना है, मैट्रेस लेना है मुझे। सो वो भी देखेंगे। सो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी देखते रहिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का यही सब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो मैं आशा करूँगी कि आप लोग मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। सो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग न्यू फ्लैट में, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे मैट्रेस में। और फिर क्या हुआ था ना, हम लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ कुछ लाइट ऑन हो रहा था, कुछ कुछ फैन ऑन हो रहा था, लेकिन हर एक फैन और लाइट ऑन नहीं हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो लोग क्या किया, मेन स्विच का कुछ कुछ मेन स्विच से एक्चुअली वो लोग कुछ ऑन करके गए थे, कुछ ऑफ करके गए थे, तो इसीलिए। तो उसके बाद अभी जैसे ही हम लोग पूरा ऑन कर दिए है स्विच, तो अभी हर एक जगह का लाइट फैन सब कुछ चल रहा है, और मेरा वॉइस आप लोगों को थोड़ा सा इको सा हो रहा है, राइट, क्योंकि पूरा खाली है ना इसीलिए। सो अभी ये खाली वाला तो देख लिए, इसके बाद हम लोग जब आएंगे तो वहाँ पे ये सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। सो ये कितना सुंदर से कर दिया है ना पूरा एकदम, और क्लीनिंग कर दिया है चटाचट चकाचक। यहाँ पे भी देखिए, और वहाँ पे एक फ़ोन है ना, वो फ़ोन है सोसाइटी का है। एक्चुअली अगर कोई गेट में आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग के फ्लैट में आना चाहते हैं, तो उस टाइम सिक्योरिटी से यहाँ पे कॉल करते हैं, तो इसीलिए हर एक फ्लैट में ये वाला फ़ोन ऑलरेडी दिया गया है। तो मेरा आधा टाइम लग रहा है बैल्कनी में ही बीत जाएगा।
क्योंकि आने के संग संग मैं थोड़ा सा तो देख ली, उसके बाद ही मैं एकदम बैल्कनी में आके खड़ी हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, पता है, एक ऐसे ऐसे देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सो अभी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को पूरा सोसाइटी एक बार घुमा के दिखा देती हूँ। सो हम लोगों का जो फ्लैट है वो पीछे उस साइड में है वहाँ पे, और ये अंदर की तरफ पूरा सोसाइटी है। ये है सोसाइटी का स्विमिंग पूल जिसमें अभी बच्चे लोग नहा रहे हैं क्योंकि संडे है, सबको ये मस्ती लूट रहा है। स्विमिंग भी सीखते हैं जो लोग, शायद वो लोग यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं। और इस साइड में है पार्किंग एरिया, ये और एक ब्लॉक है, फिर सामने की तरफ और एक ब्लॉक है, आगे चल रहे हैं सम्राट, और इस साइड में क्रिकेट ये सब खेलने के लिए रखा हुआ है ये एक जगह। और उसकी अंदर के तरफ इस साइड में, उस साइड में जो दिख रहा है उस साइड में है हम लोगों का जिम, और उस साइड में अंदर की तरफ एक कॉमन हॉल भी है जहाँ पे कोई पार्टी हो या कुछ ज़रूरत हो तो उस टाइम आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको। और उस साइड में बहुत सारे ऐसे बैठने का जगह है, ऐसे ऐसे चलते चलते ना बहुत सारा ऐसे साइड साइड में बैठने का जगह है, अगर आप वॉकिंग करते करते थक जाए तो यहाँ पे बैठ सकते हो, या शाम के टाइमिंग में, सुबह के टाइमिंग में बैठ के बहुत अच्छे से अड्डा मार सकते हो, उस साइड में भी है। तो ये कुछ ऐसे टाइप का दिखने में है। सो अभी हम लोग सोसाइटी से ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, एंड घर पहुंचने के बाद ही हम लोगों का कुछ काम पेंडिंग था, वो था ये पैकिंग का काम। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सो आने के संग संग हम लोग जस्ट पैकिंग के काम में लग गए हैं ऑलरेडी। और एक चीज़, हम लोग ऑलरेडी मैट्रेस बुक कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली वीडियो करना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं जब नया फ्लैट में जा रही हूँ उस टाइम जब नया मैट्रेस आने वाला है उस टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड हम लोग स्लीप ऑयल का मैट्रेस ले लिए है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हो कि मैं एक सूटकेस ऑलरेडी पैक कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों का 3 सूटकेस ऑलरेडी पैक्ड अप है, एंड ये सूटकेस मैं आधा पैक करके रखी थी एंड आधा बचा हुआ था, तो वही चीज़ कर रही हूँ। और ये भी ऑलमोस्ट पैक हो, मतलब फुल होने ही वाला है, एंड उसके बाद हम लोगों का और एक सूटकेस सिर्फ हाथ में है खाली, और बाकी कोई भी सूटकेस बचा नहीं है। पता नहीं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ पैक करना बाकी है। मेरा ड्रेस कुछ बचा हुआ है, एंड सम्राट का भी है, एंड उसके साथ साथ मतलब बेड का भी बहुत सारा चीज़ है, लाइक बेड का कवर या पीलो कवर, ये सब कुछ है। सो ये सब भी हम लोगों को पैक करना है। तो ये इतना बैग फुल हो गया था कि इसको बंद करना ही एक टफ चैलेंज हो गया था हम लोगों के लिए। तो वही चीज़ हम लोग दोनों मिलके इसको बंद किए हैं, एंड इसके बाद मैं लग गई हूँ दूसरा और एक सूटकेस पैक करने में, एंड ये भी ऑलमोस्ट फुल होने ही वाला है, आप लोग जैसे देख पा रहे हो। तो एक चीज़ है कि ये भी जैसे फुल होने वाला है वैसे ही मेरा कबर्ड भी पूरा एकदम खाली खाली हो गया है। अभी फिर से लग रहा है कि अभी फिर से वही चीज़ लग रहा है कि जब हम लोग नए आए थे यहाँ पे उस टाइम का जैसे हुआ था ना, कि मतलब पूरा खाली था, उसको पैक करके रखना, वैसा ही वाला अभी सिचुएशन हो गया है। पूरा एकदम खाली लग रहा है कबर्ड, और कबर्ड को और हम लोगों का क्या हुआ था ना लास्ट टाइमिंग में, कबर्ड इतना फुल हो गया था कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ बाहर में ही रख दिए थे, तो वो सब चीज़ भी करके देखना पड़ रहा है। अभी हालत देखिए, हम लोगों का पूरा सूटकेस तो पैक हो ही चुका है। अभी मैं जो चीज़ कर रही हूँ, ये कार्टन है कुछ मेरे पास, सो उसी कार्टन में मैं ये बेड कवर, पीलो कवर, ये सब कुछ रख रही हूँ। एक्चुअली ये कार्टन मेरे पास कहाँ से आया मैं बोल देती हूँ। मैं जब कोलकाता से यहाँ पर आई थी ना, तो इसमें मेरा कुछ बर्तन
कार्टन आया था, मम्मी ने भेजा था इसमें से. सो वही सब कार्टन रखा हुआ है एंड इसमें देखिए इसीलिए लिखा भी है बेंगलोर. सो यही है, अभी मैं आ गई हूँ. ऑलमोस्ट मेरा पैकिंग ख़त्म हो गया है, लेकिन इधर में मेरा खाना बनाना भी बाकी था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा था. तो मैं आ गई हूँ जल्दी जल्दी राइस बॉयल करने में. और पता है मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था इस टाइम. देखिए मैं नॉर्मल वाटर दे रही थी, वाटर प्यूरीफाई से पानी नहीं लेके मैं नॉर्मल वाला पानी ही इसमें दे रही थी. सो अभी मैं जस्ट गया इसका राइस कुकर का स्विच ऑन करूँगी बस, और क्या. इसके बाद मेरा डल किया हुआ था पहले से ही. सो मैं जो कर रही हूँ, मैं सोची क्या करूँ, नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा खाना बना रही हूँ लंच में. सो मैं अभी आलू गोभी काट कर रही हूँ. सो ये काट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा ऑनियन भी ऐड करूँगी. तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सा होता है. एंड इसके साथ मैं जो सोची हूँ कि थोड़ा सा ऑमलेट कर लूँगी दोनों के लिए, बस हो जाएगा. और क्या चाहिए अभी, क्योंकि अभी एकदम मेरे पास कुकिंग का टाइम है ही नहीं. तो जो भी मैं कुछ कर रही हूँ सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. पता नहीं कितना आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ. सो यही सब है, बहुत टफ होता है. यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, जस्ट और कुछ टाइम के लिए मैं इसको रखूँगी फ्राई होने में. ऑलमोस्ट हो ही गया है. और इसके साथ साथ मैं दूसरा वाला गैस ओवन में ऑलरेडी डाल बैठा दी हूँ, और वो मतलब ये पहले से ही किया हुआ था. उसको थोड़ा सा अच्छे से बॉयल कर ले रही हूँ, थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ बोल सकते हो. तो हम लोगों का पैकिंग ऑलमोस्ट डन, और थोड़ा बहुत तो ये किचन का मैं सोची हूँ कि ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ा कर लूँगी, आज और नहीं हो पा रहा है. यहाँ पे जितना सारा आप लोगों को कार्टन दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों कार्टन पूरा पैक्ड अप है. एंड उसके साथ वहाँ पे जो ट्रॉली देखने को मिल रहा है वो भी पैक्ड अप है. एंड उसके साथ बाजू में जो और एक कार्टन देख रहे हो वो भी पैक्ड अप है. तो हम लोगों का ऑलमोस्ट डन है. घर पूरा खाली खाली लग रहा है. हम लोगों का कबर्ड जो था वो पूरा एकदम खाली हो गया है. मैं ऑलरेडी खाना बैठा दी हूँ. डल मेरा पहले से किया हुआ था, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा आलू गोभी का सब्ज़ी थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ एंड उसके साथ थोड़ा सा ऑमलेट कर लूँगी, बस हो जाएगा. टाइम हो रहा है अभी कितना पता है, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:00 होने जा रहे हैं और हम लोग अभी करेंगे लंच. मतलब बहुत हेक्टिक वाला शेड्यूल है बहुत. और यहाँ पे मेरा अभी सोफ़ा का हालत देखिए बहुत ख़राब है, क्योंकि थोड़ा बैग जो मैं भर भर के रख रही हूँ वो सब यहाँ पे ही है. सो फिलहाल और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ, ये जैसे मैं ऑलरेडी बोल दी हूँ फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरा इस घर से ये है लास्ट ब्लॉग. इसके बाद आप लोगों को और इस फ्लैट से ब्लॉग नहीं मिलने वाला है. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ ये बात बोलने में, लेकिन क्या बोल सकते हैं. नया घर में जाएंगे, वहाँ पे फिर से नया से स्टार्ट करेंगे. वो भी अभी वो फ्लैट है उसको थोड़ा घर भी बनाएंगे हम लोग, जैसे इसको भी बनाए थे. सो फ्लैट होने से ही वो घर नहीं बन जाता है, घर खुद को बनाना पड़ता है जैसे कि हम लोग बनाए थे. तो वहाँ पे जाके भी हम लोग उसको ज़रूर घर बनाएंगे, और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी होगा वहाँ पे जाने के बाद, वो सब कुछ आप लोगों के साथ मिलेगा. लेकिन फ़िलहाल यहाँ से हम लोगों का लास्ट ब्लॉग होने वाला है. सो इसके बाद जो आप लोगों को मिलेगा वो हम लोगों का जिस दिन शिफ्टिंग कर रहे हैं उस दिन का ब्लॉग आप लोगों को मिलने वाला है. सो फिलहाल ख़त्म कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग, और वो भी लास्ट ब्लॉग फ्रॉम दिस हाउस. नेक्स्ट हाउस में मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, नया फ्लैट नया जगह नया चीज़ के साथ. सो आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ. एक बार अच्छे से आप लोग भी देख लीजिए मेरा ये वाला फ्लैट को, क्योंकि और आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और मुझे भी नहीं मिलेगा और शायद देखने को. सो इसीलिए वहाँ पे सम्राट है. सो यही है. सो चलिए आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ. नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नया चीज़ के साथ. हर एक चीज़ नया होगा वहाँ पे, सिर्फ हम लोग ही पुराने रहेंगे. सो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.